News 18, India. बड़ी खबर इस वक्त की पंजाब से मिल रही है, जहां पटियाला में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया है। राजपुरा रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया, रेलवे ट्रैक पर बैठ गए, ट्रैक को जाम कर दिया। ये पंजाब की खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां पटियाला में रेलवे स्टेशन के ऊपर प्रदर्शनकारी इस वक्त पहुंचे हुए हैं, वहां प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें भी जो मिल रही है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रेलवे की पटरी के ऊपर बैठकर ये प्रदर्शनकारी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पूरा जो ट्रैक है उसे जाम कर दिया गया है, राजपुरा रेलवे स्टेशन पटियाला का, जहां बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए किस तरह से रेलवे ट्रैक के ऊपर ये लोग बैठे हुए हैं। अब इधर से गुजरने वाली जितनी भी ट्रेन है उसकी आवाजाही यहां बाधित हो रही है और खासे परेशान यात्री हैं। रेलवे ट्रैक के ऊपर बैठ करके ये प्रदर्शन राजपुरा रेलवे स्टेशन पटियाला का, जहां इस वक्त भारी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने एक तरह से पूरा कब्जा कर लिया है रेलवे ट्रैक के ऊपर। आप देखिए दूर दूर तक आपको सिर्फ ये प्रदर्शनकारी किसान हाथों में झंडे लिए और रेलवे ट्रैक पर बैठे दिखाई देंगे। कैसे हम इन सारे विषयों पर एक मत हो सकते हैं, तो ये हमारी कोशिश है। अर्जुन मुंडा को आपने सुना, कृषि मंत्री हैं। किसानों की एमएसपी गारंटी कानून लागू करने की मांग पर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और पूछा कि आखिर कांग्रेस की पिछली सरकारों ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं की। राहुल गांधी और कांग्रेस का ये पाखंड है, झूठ है और फरेबी है और दोगलापन है। मैंने 2010 में ये सवाल पूछा था राज्यसभा में और ऐसे मैंने 10 साल सवाल पूछे यही मुद्दे पर कि एमएसपी स्वामीनाथन कमीशन का आप रेम्यूनरेटिव प्राइसेस देंगे कि नहीं, उस फॉर्मूला के आधार पर। जब ये काले कानून प्रधानमंत्री लाए राज्यसभा में लोकसभा में, तब ये कानूनी दर्जा का मामला फिर से उभर कर उठा। क्यों समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए और इसका संदर्भ समझिए। एमएसपी को लीगल गारंटी देना तब जरूरी पड़ता है जब निजी बिक्री, निजी खरीद ज़्यादा होता है। वो जो तीन काले कानून लाए गए थे वो सारे हमारे कृषि का निजीकरण हो रहा था। अब जरा आपको बता दें कि किसानों की एमएसपी वाली जो मांग है अगर वो मान ली गई तो इससे क्या होगा, किस तरह से सरकारी बोझ जो है वो बढ़ जाएगा, सीधा सीधा उसका असर हमारी और आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा, ये हम आपको जरा बता दें कि अगर सभी फसलों पर एमएसपी का फैसला लिया गया तो इससे 40 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा। ये हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे में किस तरह का असर होगा। देश का बजट 45 लाख करोड़ है तो अंदाजा लगाइए जरा किस तरह से सरकारी बोझ पड़ेगा, जनता पर कैसे असर पड़ेगा, टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा यानी जो टैक्स पेयर है उनको कितनी दिक्कत ऐसे में होगी और देश पर किस तरह का असर पड़ेगा। रक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, इससे कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा। तो ये बातें जो हैं अगर ये फैसला ले लिया गया तो इससे किस तरह का असर जो है वो पड़ेगा वो आप अंदाजा लगाइए कैसे दिक्कत इससे हो जाएगी। और बीजेपी ने पंजाब सरकार पर किसानों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी पुलिस की कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साध दिया है।